नमस्कार, मैं हूं शिखर दीप और आप देख रहे हैं जीपीएन 24। बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की बैठक टली आज शाम। मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे पार्टी मीटिंग। बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की बैठक का आयोजन 23 जून को किया गया था। इस मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया था कि विपक्षी दलों की अगली बैठक 13 से 14 जुलाई को बेंगलुरु में किया जाएगा, लेकिन अब इस मीटिंग को टाल दिया गया है। संसद सत्र के कारण 13 से 14 जुलाई को होने वाले इस मीटिंग को टाल दिया गया है। साथ ही इसे टालने के पीछे कारण बताया जा रहा है कि कर्नाटक और बिहार में विधानसभा सत्र चल रहा है। इस कारण कई विपक्षी दलों के कई नेताओं का इस मीटिंग में आ पाना मुश्किल है। हालांकि अब ये मीटिंग कब होगी इस बात की कोई जानकारी अभी तक नहीं सामने आई। वहीं एनसीपी में आई टूट के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ बैठक करने वाले हैं। इसके लिए वो आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे। इस मीटिंग में महाराष्ट्र के नए नेता प्रतिपक्ष के नाम पर भी चर्चा होगी। विपक्षी दलों को एक साथ रखने की चुनौती के कारण ही महाराष्ट्र में कांग्रेस को अपने विधायकों को एकजुट रखने की चुनौती है। वहीं अजीत पवार के इस्तीफे के बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे विपक्ष की राजनीति पर भी असर पड़ा है। दरअसल शरद पवार को लेकर कहा जा रहा है कि पार्टी को संभाल पाने में वे असफल हो गए हैं। अजीत पवार के जरिए भाजपा ने शरद पवार को हराया है। वहीं अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच केंद्र सरकार के अध्यादेश को लेकर बवाल जारी है। साथ ही तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बीच का विवाद भी चल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे जीपीएन 24। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं जीवीएन 24 न्यूज़।